Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 17, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग, कहानी पढ़ना, कहानी सुनना, सुनाना और कहानी लिखना सभी अत्यंत रुचिकर हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रयास और अभ्यास करने पर कहानी लिख सकता है। यहाँ पर कहानियाँ चित्र के साथ प्रस्तुत की गई हैं। आप सबसे पहले प्रत्येक कहानी के चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में घटने वाली घटनाओं पर ध्यान दीजिए। फिर चित्र के बारे में लिखे वाक्य पढ़कर पूरी कहानी पढ़िए। 1. बंदर और मगरमच्छ, मंकी एंड क्रोकोडाइल। एक बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। वहीं पास के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बंदर का घनिष्ठ मित्र था। बंदर रोज मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन खिलाता था। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब की सैर कराता था। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को जामुन खिलाए। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी बोली, बंदर के दिए हुए जामुन कितने मीठे हैं। मीठे मीठे जामुन खाकर बंदर का कलेजा भी मीठा हो गया होगा। उसने मन ही मन बंदर का कलेजा खाने की सोची। उसने मगरमच्छ से कहा, मुझे बंदर का कलेजा चाहिए। मगरमच्छ बंदर के पास गया और उसने बंदर से अपने साथ चलने को कहा। रास्ते में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर घबरा गया, परंतु उसने धैर्य दिखाते हुए मगरमच्छ से कहा कि मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रह गया है। उसने मगरमच्छ से वापस चलने को कहा। वापस आकर बंदर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। इस प्रकार बंदर ने अपनी जान बचा ली। शिक्षा, मॉरल, संकट के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए। 2. आलसी टिड्डा, लेजी ग्रास हॉपर। एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे। उनमें मित्रता हो गई। चींटी बहुत परिश्रमी थी, परंतु टिड्डा बहुत आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करके रखती। टिड्डा कुछ काम न करता। वह सारा दिन उछलता कूदता या सोता रहता था। वह बस यूं ही समय गुजार देता था। उसने आने वाले समय के लिए अन्न इकट्ठा करके न रखा। चींटी उसे अन्न इकट्ठा करने के लिए कहती तो वह बहाने बना देता। बरसात का मौसम आ गया। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। चींटी ने इन दिनों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई थी। वह परिवार सहित आनंद मना रही थी। जब कई दिनों तक वर्षा न रुकी तो टिड्डा भीगता हुआ उसके पास आया। वह बोला, चींटी बहन, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, वर्षा रुकने पर वापस कर दूंगा। यह सुनकर चींटी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया था पर तुमने कुछ नहीं किया। अब भूखे मरो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। जो आलसी होते हैं, मुसीबत आने पर उनकी ऐसी ही दशा होती है। टिड्डा अपना सा मुंह लेकर भीगता हुआ अपने भाग्य को कोसता वापस चला गया। शिक्षा, मॉरल, आलसी को अंत में पछताना पड़ता है। 3. ईमानदार लकड़हारा, ऑनेस्ट वुड कटर। एक बार एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लकड़हारा रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर जल देवता प्रकट हुए। लकड़हारे ने जल देवता को बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार जल देवता चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। लकड़हारे ने पुनः कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने पुनः नदी में डुबकी लगाई। इस बार जल देवता लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए।
उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को दे दी। शिक्षा, मॉरल, ईमानदारी का परिणाम हमेशा सुखद होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।